नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या ले जाना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एडमिट कार्ड तो आपको ले ही जाना है, साथ में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है, और उसके साथ आपको कोई भी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या पिन कार्ड भी साथ में ले जाना होगा, और उसका ओरिजिनल कॉपी भी आपको साथ में ले जाना होगा। और ये देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसे आपको फिल करना होगा, और ये सबमिट साथ में आपको करना है। इसमें आपको कैंडिडेट रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम सेंटर, सिग्नेचर आपको करना है यहाँ पे। और ऊपर जब देखेंगे तो ऊपर आपका एडमिट कार्ड होगा, ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्या क्या आप ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट विल परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम, ये सब आप ले जा सकते हैं। ये सब सामान अपने साथ ले जा सकते हैं, जिसमें मास्क ले जा सकते हैं, ग्लव्स ले जा सकते हैं, वाटर बॉटल ले जा सकते हैं जो कि एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का ले जा सकते हैं, यहाँ पे स्टाम्प पे पेन ये सब ले जा सकते हैं, और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसको ले जा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में मैंने बताया कि एडमिट कार्ड के साथ आपको आईडी प्रूफ ले जाना है, फोटो कॉपी आपको साथ में लगाना है, और ओरिजिनल आईडी ले जाना है जिसमें आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ है लिखा हो। इसके अलावा आप कुछ भी एग्जाम सेंटर पे नहीं ले जा सकते। तो ये छोटा सा अपडेट था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। आपने वीडियो अंत तक देखा, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।